वेलकम बैक टू माई नीनूस किचन। तो चलिए, विंटर चली रही है तो मटर से कैसे वंचित रहा जाए, तो चलिए मटर से बनाते हैं एक बहुत अच्छा सा नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी इससे नापकर मटर ली है। इधर लिया है मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ। अगर आप कुछ ज़्यादा हरी मिर्च चटपटा खाते हैं तीखा, तो आप और भी हरी मिर्च ले सकते हैं। इन सबको हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे। इसको मैंने मिक्सी के जार में शिफ्ट कर दिया है, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है, आप देख सकते हैं दरदरा सा पीसा है। थोड़ा सा मोटा ही रहना है हमें, ज़्यादा एकदम बिल्कुल फाइन नहीं पीसना। इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। डो लगाने से पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो भी देखिए। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच मैदा, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट सा भी रहेगा और अच्छा सा डो बनेगा, क्योंकि सूजी हमारी थोड़ी बिखरी सी होती है, तो इसलिए उसको बांधने के लिए ये बाइंडिंग का काम या तो मैदा करेगी या फिर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस डो में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको लगाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना हमें, इसका सॉफ्ट सा डो बनाना है। पहले हम इसको एक सा कर लेंगे और फिर इसमें पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो तैयार। डो तैयार हो गया है तो इसको हम छोड़ देंगे रेस्ट पे, क्योंकि सूजी है और सूजी हमारी फूलती है, तो इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे ढक के थोड़ी देर के लिए। तो गैस पर रख दिया है मैंने पैन और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। हमें ज़्यादा ऑयल में नहीं करना है इसको। और इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज हमारी भुन गई है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी, थोड़ी सी क्रंची ही रखनी है। तो इसको इसमें डालेंगे हम मटर, ये पिसी हुई वाली। इस मटर को मैंने विदाउट पानी के ऐसे ही पीसा है, आप इसमें पानी ऐड मत करना। मटर हमारी भुन रही है, मटर को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1-2 मिनट तक ही भूनना है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही नमक, क्योंकि नमक हमने आटे में भी ऐड करा है, तो इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसको हल्का सा भूनेंगे। मटर को निकाल लिया मैंने एक प्लेट में और इसे ठंडा होने छोड़ देती हूँ। नाश्ता बनाए और चटनी के साथ ना खाएं तो उसका मज़ा ही अधूरा है। तो चलिए बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी, मज़े वाली, जो शायद आपने नहीं खाई होगी। तो देखिए मैं बताती हूँ वो कैसे बनेगी। उसके लिए मैंने लिया प्याज, टमाटर, लहसुन की कली और मिर्च। इसमें हमें हरी मिर्च नहीं यूज़ करना है, लाल मिर्च ही यूज़ करना है। इस तेल को पकाना होता है थोड़ा, यानी कि ज़्यादा गर्म करना होता है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो अगर बिना पकाए बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसके लिए हमें तेल को अच्छे से पकाना है। तेल हमारा पक चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये प्याज और लहसुन, दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको भून लेंगे। जैसे जैसे हमारा प्याज और लहसुन भुनेगा तभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, दाल के साथ भी, जिसके साथ या फिर कोई नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं। जब थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची। मैंने ऐड कर दिया मिर्ची लाल वाली और यहाँ पर नमक। अगर आपके पास साबुत वाली मिर्ची है तो आप वो ऐड कर दीजिए भिगोकर पानी में, वो और भी अच्छा कलर देती है। इस टाइम मेरे पास नहीं है तो मैंने ये पिसी वाली मिर्ची ही ऐड करी है। इसको भूनने देंगे जब तक हमारी मटर भी ठंडी हो रही है
और आटा भी रेस्ट कर रहा है। फिर बनाएंगे यम्मी यम्मी सी नाश्ता। अब ये हमारा भुन चुका है, प्याज टमाटर लहसुन सब भुन चुका है। अब इसको भी हम ठंडा होने देंगे और फिर लेंगे पीस इसको चटनी की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कितनी टेस्टी सी चटपटी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये हमारी चटनी भी तैयार है और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है जैसा कि मैंने बताया। तो अब देखते हैं हम आटा, तो आटा भी हमारा अब तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और गूंथेंगे और अच्छे से उसे और सॉफ्ट करेंगे गूद गूद के। तो इसको और हमें मल मल के इसको और सॉफ्ट करना है। अभी तो मैंने इस तरह से लंबा कर लिया है और सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके हम काट देंगे पीसेज में इस तरह से लोइयां, जैसे नॉर्मल कचौड़ी की काटते हैं इसी तरह से हमें ऐसे पीसेज में काट लेनी है। और इसको गोल करते हुए इस तरह से करना है हमें सारे लोइयों को। अब चकले पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हल्का सा बेलेंगे हम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमको इतना थिक रखना है, एक पूरी की तरह बेलना है इसको। और इधर मैंने मटर के बना के रखे हैं ये गोले से, इसको इसके अंदर रखना है। और जैसे हम पराठा या मोमोज बनाते हैं तो प्लेट्स डाल के इस तरह से ऐसे बनाते हैं, इसको हमें अंदर स्टफिंग करके इस तरह से बनाना है। इस तरह से मैंने ये बनाकर रख ली हैं, ये देखिए आप। और हमने आटा बहुत सॉफ्ट हो गया था हमारा आटा, क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा मसला था। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, जितना हम अच्छे से मसलेंगे उतनी अच्छी हमारी ये कचौरी बनकर तैयार होएंगी। तो ये कचौरी कोई नॉर्मल कचौरी नहीं है। आप देखिए, आप सोच रहे होंगे इतना सारा ऑयल, तो ये ऑयल नहीं है, ये मैं बनाऊंगी पानी में और ये पानी की कचौरियाँ होंगी जो बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में रख दिया है पानी, और पानी में हम जब तक बबल नहीं आएंगे जब तक इन कचौड़ियों को नहीं डालूंगी। तो पानी का इंतज़ार कर रही हूँ बबल आने का। तो आप देखते रहिए पूरी रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं पक रही हैं। कौन नहीं पसंद करेगा ऑयल फ्री और इतनी हेल्दी सी सूजी की बनी हुई कचौरी खाना, वो भी बिना ऑयल में पानी से बनी हुई। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, देखते रहिए आप, फुल वीडियो को वॉच करिए। इस तरह से ये पक रही हैं। अब एक एक करके इनको पलट देंगे हम पीछे से। ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं हमारी कचौरी, जैसे कि ऑयल में फूलती हैं उसी तरह से ये फूल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो हमें सूजी मारनी है वो पानी से ही मारनी है, ये विशेष ध्यान रखना है, दही वगैरह से नहीं मारनी। और ना ही इसमें हमें सूजी में ऑयल ऐड करना है, हमें बस नमक और मिर्च ऐड करना है। तो जैसे ऑयल डालकर बनाते हैं उससे भी ज़्यादा हेल्दी ये बन जाएंगी, क्योंकि ऑयल भी नहीं हमने ऐड करा है इसमें। इसको दोनों तरफ से हम पकाएंगे अच्छे से ताकि कच्ची ना रहें। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी में भी इतनी फूली फूली कचौड़ी बन सकती हैं? तो देखिए कितनी फूली फूली बन रही हैं, बिल्कुल फूल के ऐसे पान घी की तरह ही लग रही हैं, जैसे घी में तली जा रही हैं, ये इस तरह से ही फूल रही हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए पानी की कचौड़ियाँ बनाकर जो बिल्कुल ऑयल फ्री हैं। तो चलिए अब करते हैं गैस को ऑफ और हमारी कचौड़ी बनकर हो गई तैयार। इनको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ मैं इसको। है ना फूली फूली सी, देखिए। मैंने
बताया था पानी की कचौड़ी, देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग है इसकी। तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं चटनी के साथ में। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है और इसको शैलो फ्राई करके भी हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन कचौड़ियों को रख रही हूँ, इस तरह से भी आप खा सकते हैं। ये भी मैंने 2 चम्मच ऑयल में बनाई है। आप देख सकते हैं हमारे 2 चम्मच ऑयल में और कितनी अच्छे से ऑयल बच भी गया और ये कचौड़ी फ्राई भी हो गई। तो आप इस तरह से करना चाहते हैं तो ये देखिए ऑयल बचा हुआ भी है, इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं। और जैसा मैंने पानी में सेक कर बनाई थी, आप बिल्कुल ही ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास में हैं। देखिए यम्मी यम्मी सी मटर की कचौड़ियाँ पानी वाली बनकर तैयार हैं इधर। और ये शैलो फ्राई जैसा कि मैंने बताया था शैलो फ्राई करी है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें भी बहुत कम ऑयल लगा है और चटपटी चटनी, वो भी चटनी भी मेरे चैनल पर ही है, वैसे भी मैंने बनाई थी और आज भी आप देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा तभी आप बना पाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी डिशेस बनाकर दिखा सकूं। फिर मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।